Very nice. Karan to is duplicate Sunny Deol and direction is very good. And wo kya kehte Karan itna decent aur itna acha lag raha hai ki like I enjoyed the movie. First half was very good. Not good, very good. Like mountain scenery and so nice he was looking. It was very nice. But thoda interval ke baad thoda niche. But direction is very very good. तो पूरा सनी देओल ही लग रहा है वो तो एंड वो फादर्स का लव भी दिख रहा है कि द वे ही हैज एक्टेड इसे हर हर चीज की बारीकी उन्होंने देखी ना सनी देओल एंड ही इज द कार्बन कॉपी ऑफ सनी देओल फिल्म के नाम के अकॉर्डिंग इसकी स्टोरी कैसे पल पल दिल के पास वो नाम थोड़ा मैच थोड़ा कम हो रहा है कम हो रहा है बट सहर इज वेरी गुड वेरी वेरी गुड क्या सॉन्ग्स ओके Action was okay, but first half was very good. Out of 5, how many stars? I would to give 7. No, no, sorry, 7 out of 5? Yeah. 4. Thank you. Thank you. Awesome movie. The best acting was the actor, Karan. His cuteness is awesome in the movie. And by the way, the Zeher was also too good in the movie. And the best song was of the movie, Palpal Dil Ke Paas. The girl sang at the Manali while doing the camping. Awesome movie. New entry of the hero and heroine both. Awesome director was too good, but Sunny Deol was best director. Matlab, we can say it was perfect movie. Not one time watch, you can watch it many times. Awesome songs. Best song was Palpal Dil Ke Paas. While they are camping, full tour of the camp. It was too catchy, but in the movie. Out of 5, how many stars? 5. Film awesome thi. Karan Deol is awesome. And Dicto like Sunny Deol. Story retelling ke baat kare to kis tarah se kitna bandhe rakhi movie aapko? बांधे नहीं लगी क्योंकि लव स्टोरी है फिर ऐसा बीच बीच में जो बोर होता बोरनेस कभी आया नहीं फिल्म में और उसमें फिल्म में बीच में एक एक्शन सीक्वेंस है करण देओल का इट्स लाइक डुप्लीकेट ऑफ सनी देओल एंड उसमें एक शाउट करता हो जैसे सनी देओल अपने पिक्चर में शाउट करते थे सेम साउंड एंड सेम वॉल्यूम साउंड 100% क्योंकि कट्स एंड ऑल दैट सनी देओल के जैसी है पूरे मूवी तो धमाकेदार होने वाली है मूवी का याद नहीं पर करण देओल धमाकेदार जरूर होने वाले बॉलीवुड में गाने कैसे लगे आपको गाने अच्छे 4.5 थैंक यू दोस्त एकदम हेलो कैसे लगे फिल्म आपको ऑसम मूवी क्या खास बात लगी थी एक्शन एंड ड्रामा सनी देओल ने डायरेक्ट किया किस तरह से डायरेक्शन सनी देओल का एक बहुत बढ़िया डायरेक्शन था और स्पेशली जो करण देओल की एक्शन थी वो सेम सनी देओल जैसे था पुरानी यादें ताज़ा हो गई अपन गदर बोल सकते मतलब फाइटिंग बहुत अच्छी थी गाने कैसे लगे आपको गाने पल पल दिल के पास वॉज ऑसम सॉन्ग 4.5 थैंक यू एक साथ ले लो फिल्म अच्छी लगी मतलब इंटरवल तक तो आप सोच भी नहीं सकते कि हिंदुस्तान में इतनी खूबसूरती है ऐसे लगता है कि खाली फॉरेन में ही खूबसूरती होती है जो पहाड़ दिखाए गए हैं जो फोटोग्राफी ली गई है इट्स ब्यूटीफुल डन देयर इट्स अ गुड जॉब और सोचोगे कि आप प्यार लव स्टोरी है लव स्टोरी आपको इंटर तो पता ही नहीं चलती लव स्टोरी जो होती है बाद में इंटर के बाद उनको महसूस होता है करण देओल एज सनी देओल किस तरह से लगे मतलब सनी देओल की झलक दिखी इसमें हाँ दिखी लगता है कि जैसे सनी देओल की पहली पिक्चर शायद बेताब आई थी ना
मतलब वो झलक दिखी थोड़ी ऐसे। सनी ने डायरेक्ट किया है, किस तरह से डायरेक्ट किया? नहीं, अच्छी एक्टिंग, बहुत अच्छी डायरेक्टिंग की है। ऐसे लग बोल नहीं सकते कि आप सनी देओल डायरेक्शन नहीं कर सकते, अच्छी एक डायरेक्शन की है। गाने कैसे लगे? गाने भी अच्छे हैं, म्यूजिक भी अच्छी है, सबकी एक्टिंग भी अच्छी है। 3.5 चलो आ जाओ। कैसे लगी फिल्म आपको? अच्छी लगी मुझे मूवी। क्या अच्छी लगी फिल्म में? फिल्म में मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि डायरेक्शन काफ़ी अच्छा था। फर्स्ट हाफ में मुझे जो लोकेशन था, जैसे मनाली का लोकेशन लिया हुआ था, काफ़ी अच्छी सिनेमाटोग्राफी थी मूवी की। सनी देओल का जो एक्चुअल पार्ट होता है वो सेकंड हाफ में जो फाइटिंग सीक्वेंसेस है काफ़ी अच्छे हैं। बाद में मूवी में एक अच्छा है, मतलब एक काफ़ी अच्छा फील आता है, फैमिली मूवी टाइप लगती है, बहुत अच्छी लगी। काफ़ी लोग सनी देओल से कंपेयर कर रहे थे, तो मूवी में कितनी झलक दिखी है इसकी? बोल सकते हैं कि फाइटिंग सीक्वेंस में जैसे सनी देओल को देख के लगता है एकदम एंग्री यंग मैन टाइप, वैसा फील आता है एकदम उनको देख के। किसी मूवी की याद दिलाती है सनी देओल की? वैसे तो मैं काफ़ी किसी सीन की मुझे थोड़ी गदर की याद आती है सेकंड हाफ मूवी के अंदर, जब वो जो गदर की जो याद दिलाती है गदर में, मतलब फाइटिंग सीक्वेंस ट्रेन का सीन आता मुझे याद, तो मतलब ऐसा आवाज़ चिल्लाने के हिसाब से, मतलब वो आवाज़ एकदम सिमिलर लगी मुझे। सॉन्ग्स अच्छे थे मूवी, काफ़ी मुझे काफ़ी अच्छी लगे। एक्टिंग दोनों एक्टर्स की अच्छी है, डेब्यूटेंट तो बहुत अच्छा एक्टिंग किया है और अच्छी होगी आगे जाके। बताएं आप, रोमांस कितना दिखाया गया? रोमांस काफ़ी दिखाया, मतलब बोल सकते हैं कि 2-3 गाने बेस्ड है उसके ऊपर, तो मतलब काफ़ी है, मतलब टाइटल सॉन्ग जो है पल पल दिल के पास वो भी अच्छा था। क्या आपको अच्छा नहीं लगा फिल्म? क्या अच्छा नहीं लगा कि मूवी थोड़ी लंबी होगी सेकंड हाफ में, बस क्योंकि इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि सेकंड हाफ मूवी इतना खींचेगा, लेकिन वो खींचा मूवी तो करके फिर। अच्छा, मार्क्स देना चाहोगे तो कितना? 5 में कितना? 5 में 3.5। ओके, थैंक यू। आपका नाम? आकाश। आकाश।